क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 27 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर वाइड. एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसकी लंबाई इतनी है और जो चौड़ाई है वो इतनी है. ओके, फाइंड द एक्सपेंस ऑफ लेबलिंग इट एट द रेट ऑफ इतना 1 रुपीज 50 पैसे स्क्वायर पर मीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ इतनी है. हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करना है कि टोटल एरिया कितना है. ओके, और उस एरिया में हमें कितना खर्चा आएगा लेवलिंग करवाने का. यदि एक पर स्क्वायर मीटर का रेट इतना ले रहा है तो जितना हमारा एरिया टोटल एरिया का कितना लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया फाइंड करेंगे. जो भी हमारा एरिया आएगा हमें पर स्क्वायर मीटर का दे रखा है, एक स्क्वायर मीटर का दे रखा है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे टोटल का आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हम नोटबुक में करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड. रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ. तो एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का रेक्टेंगल का. हमें लेंथ दे रखा है, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 27 मल्टीप्लाई में 13. जो हमें ब्रेथ दे रखा है वो 13 मीटर दे रखा है. ओके स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई करके हम एरिया फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारा एरिया जो है 351 स्क्वायर मीटर. ओके, हमें आप फाइंड करना है कि हमें पर स्क्वायर मीटर का जो लेवलिंग करवाने के लिए रेट दे रखा है उस रेट से हमारे इतने एरिया का जो है कितना हमें खर्चा आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एक्सपेंस ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ रुपीज 1 रुपीज 50 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है 351 का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें पर स्क्वायर मीटर का दे रखा है 1 रुपीज 50 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल जो एक्सपेंस कितना आएगा. टोटल एक्सपेंस हमारा आ गया 526.50 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. हम फार्मूला पुट करेंगे. फार्मूला की जो वैल्यू है, लेंथ हमें 27 मीटर दे रखा है एंड ब्रेथ हमें 13 मीटर दे रखा है. इसकी हेल्प से हम अपना एरिया फाइंड कर लेंगे. टोटल एरिया हमारे पास आ गया है. एंड जब हमें पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट हमें एक्सपेंस दे रखा है 1 रुपीज 50 पैसे, तो हमें पूरे एरिया का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल एरिया आया है उससे हम पर स्क्वायर मीटर के कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर एंड 20 मीटर. देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड की जो है लेंथ दे रखी है 50 मीटर एंड ब्रेथ दे रखा है 20 मीटर. फाइंड इट्स एरिया, आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है. तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू में ब्रेथ. तो आप 50 को 20 से मल्टीप्लाई करके इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे. देन उसके बाद आपको बोला गया है क्वेश्चन में, तो सेकंड पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज 75 पर स्क्वायर मीटर. यदि प्लफिंग करवाने के लिए इस फील्ड को, खेत को प्लफिंग करवाने के लिए पर स्क्वायर मीटर का जो है कॉस्ट इतना लग रहा है, एक्सपेंस इतना आ रहा है, तो पूरे एरिया का जो है प्लफिंग करवाने में कितना आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया फाइंड कर लेंगे. जो भी आपका एरिया आएगा टोटल, उस एरिया को आप पर स्क्वायर मीटर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आप इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो आप फाइंड कर पाएंगे. सेम आपको इसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 12 के पैटर्न से 13 को भी कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है. साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 55 मीटर. एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो साइड दे रखी है 55 मीटर दे रखी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 75 पर स्क्वायर मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14. हम लिख लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 55
मीटर। इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर या साइड इनटू साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो 55 मल्टीप्लाई में 55 मल्टीप्लाई करेंगे हम रफ वर्क में, तो स्टूडेंट्स हमारे एरिया है 3025। ओके स्टूडेंट्स, हमारा मीटर है, स्क्वायर मीटर आएगा। देन हमें फाइंड करना है हमें पर स्क्वायर मीटर का जो है ग्रास प्लांटिंग के लिए 75 रुपीज जो है पर स्क्वायर का है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू 75 रुपीज 75 हमें फाइंड करना है 3025 मीटर का। हमें इसको इसको क्या करेंगे हम जो हमें 1 का दे रखा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है टोटल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टोटल जो एक्सपेंस आया है हमारा कॉस्ट आया है इतना है कि 2,26,875। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक्सरसाइज 19.1 कंप्लीट होता है।